हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू पार्ट नंबर 29 प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य दुबे। इन दिस लेसन वी विल लुक फॉरवर्ड टू सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एमपीपीएससी प्रिपरेशन। आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई रिकॉर्डेड द वीडियो, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड अपडेटिंग मोर एंड मोर वीडियोज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्वच्छमेव जयते नाम का कैंपेन इनमें से किस भारतीय राज्य ने शुरू किया है। स्वच्छमेव जयते कैंपेन इनिशिएटेड बाय विच स्टेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट ने स्वच्छमेव जयते नाम का कैंपेन शुरू किया है। ये एक रूरल क्लीनलीनेस प्रोग्राम है RCP, जिसका टारगेट ये है कि कर्नाटका के रूरल एरियाज को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जा सके। ओके, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने का टारगेट है। अब स्वच्छता की बात आई है तो हमारे क्लीनलीनेस इंडिया का टारगेट जो है उसकी डेडलाइन आपको याद रखनी है। मोदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि 2 अक्टूबर 2019 को इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जाएगा, और 2 अक्टूबर 2019 इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि इस समय 150th एनिवर्सरी रहेगी महात्मा गांधी जी की। ओके, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब कर्नाटका से जुड़े हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी इसी साल कर्नाटका इलेक्शन काफी ज्यादा न्यूज में रहा, तो आपको एग्जाम में हो सकता है कि इसके सीएम या इससे एसोसिएटेड उनके गवर्नर पूछे जा सकते हैं। तो कर्नाटका के जो सीएम है उनका नाम है SD कुमार स्वामी। याद रखिएगा, SD कुमार स्वामी इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। मीनवाइल अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटका के प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो वो है मिस्टर वाजुभाई वाला। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्न नॉट ओके अवेयरनेस प्रोग्राम इनमें से किस भारतीय राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अब ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको पहले इसका आंसर बताना चाहूंगा। ये जो हॉर्न नॉट ओके अवेयरनेस प्रोग्राम है ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ओके, तो ये प्रोग्राम क्या है, ये एक नॉइस पोल्यूशन को कर्व डाउन करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, और ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो नॉइस पोल्यूशन के लिए टारगेटेड है। इस प्रोग्राम में मीन्स एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है जो कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने की है, उसका नाम है शोर नहीं। शोर नहीं नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की गई है हॉर्न नॉट ओके प्रोग्राम के तहत। इसके तहत जो भी एरिया में मीन्स अगर कोई भी जो हॉन्टिंग होती है मीन्स जो गाड़ियां शोर करती हैं, तो उनके खिलाफ कंप्लेंट ऑनलाइन की जा सकती है इस ऐप के माध्यम से, और जो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वो उनके खिलाफ एक्शन लेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि हॉर्न नॉट ओके जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया हुआ है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का पहला हिंदी स्पीकिंग रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट या इंडिया का फर्स्ट लिप सिंकिंग रोबोट इनमें से कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दैट इज रश्मि। ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा हाल ही में, और ये जो डेवलप किया गया है ये रांची के एक डेवलपर के द्वारा डेवलप किया गया है जिनका नाम है मिस्टर रंजीत श्रीवास्तव। ओके, और इन्होंने इंडियन वर्जन ऑफ सोफिया डेवलप किया है। ये जैसे आप ऑप्शन में देख सकते हैं, सोफिया एक दुनिया का पहला ह्यूमनिस्टिक रियल रोबोट है, मीन्स रियल रियलिस्टिक ह्यूमनाइड रोबोट है, जिसको जो पहला रोबोट बना है जिसको किसी देश ने नागरिकता दी है। अब इस देश का नाम भी आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाउएवर ये आउटडेटेड फैक्ट है बट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सऊदी अरेबिया ने सोफिया को नागरिकता दी, मीन्स ये दुनिया का पहला रोबोट है जिससे एक देश ने नागरिकता दी। और अगर इंडिया के परस्पेक्टिव में पूछा जाए तो इंडिया का जो पहला हिंदी स्पीकिंग रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट है वो है रश्मि। अब ये हिंदी के अलावा भोजपुरी, मराठी और इंग्लिश में भी वार्तालाप मीन्स बातें कम्युनिकेशन कर सकती है। तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टैटिक से डील करता है। भीमबेटका साइट इनमें से किसने डिस्कवर की थी। तो भीमबेटका साइट की डिस्कवरी की थी ऑप्शन ए, दैट इज VS वाकनकर। VS वाकनकर ने भीमबेटका साइट की खोज की। अब भीमबेटका से एसोसिएटेड हम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये देख लेते हैं कि VS वाकनकर जी ने इसकी डिस्कवरी कब की। तो ये ईयर आप याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके। तो ईयर 1957 को भीमबेटका साइट की डिस्कवरी की मिस्टर VS वाकनकर ने। ओके, और भीमबेटका है कहाँ पे, तो ये भी आप देख लीजिए। भीमबेटका सिचुएटेड है भोपाल के पास रायसेन। ओके, आपको एग्जामिनेशन में अगर आपने MCQ सॉल्व किए होंगे तो आपको उसमें दिखता होगा कि अब्दुल्लागंज रायसेन ऑप्शन में दिया रहता है। तो यही वो एड्रेस है, मीन्स वो लोकेशन है जहां पे भीमबेटका साइट सिचुएटेड है। अब आपसे एसोसिएटेड एक और फैक्ट पूछा जा सकता है कि भीमबेटका जो है वो यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
इसको डिक्लेयर कब किया यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो ये आप याद रखिएगा, ये ईयर 2003। ओके, एमपी में टोटल 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिनमें से भीमबेटका एक है। यदि आपको बाकी के दो और उनके एसोसिएटेड ईयर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपसे एक और फैक्ट बताना चाहूंगा कि अलेक्जेंडर कनिंगम ने खोज की थी भरूत स्तूप की। जो भरूत स्तूप है वो सतना में है, और इसका ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब खोज की, तो ये है 1875 में सतना में स्थित भरूत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भीमबेटका की किसने की, तो ये है V.S. वाकनकर। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि सेंट्रल इंडिया में इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं था, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वॉज नॉट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। तो महाजनपद की अगर बात की जाए तो ये बौद्ध ग्रंथ मीन्स अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय में टोटल 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है, जिनमें से 3 सेंट्रल इंडिया के हैं। ये 3 कौन से हैं याद रखिएगा, अवंती, चेदी और वत्स। अंग की बात की जाए तो जो इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है, तो अंग सेंट्रल इंडिया का पार्ट नहीं था, मीन्स कह सकते हैं आप अंग वॉज नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये जो है ये मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल को लाया करता है। ओके, अंग की कैपिटल क्या थी, इसकी कैपिटल थी चंपा, वत्स की कैपिटल थी कुशांबी, चेदी की कैपिटल थी शक्तिमती, अवंती की कैपिटल थी उज्जैन। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये था हमारा वीडियो, आई होप यू लाइक इट। आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था दूसरे टास्क में, और जिसके कारण मैं वीडियो लेसन अपडेट नहीं कर पाया। बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियो रेगुलरली। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज़ प्रीवियस प्लेलिस्ट जरूर ट्राई कीजिएगा, चाहे वो MPPSC मेंस पेपर 2 की हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हो, या करंट अफेयर या दूसरे अदर सेगमेंट से डील करती हो। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मैंने अभी काफ़ी समय से इसको अपडेट नहीं किया, लेकिन अब से मैं रेगुलरली इसको अपडेट करूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/AdityaDubey MPPSC, या आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक की लिंक है facebook.com/AdityaDubey MPPSC। आई होप यू आर डूइंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, गुड लक, बाय बाय।